चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। मऊ उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जनपदों में एक एवं राज्य के पूर्वी भाग में स्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर। मऊ के उत्तर में गोरखपुर से आने वाला राजमार्ग एवं पूर्व में बलिया से आने वाली सड़क एक होकर दक्षिण की ओर मऊ शहर में प्रवेश करती है। शहर में प्रवेश करते ही तमसा नदी से साक्षात्कार होता है। कलकल कर शहर के उत्तरी छोर पर बहती तमसा नदी के सेतु को पार कर सड़क दक्षिण की ओर बढ़ते हुए लगभग आधा किलोमीटर सफर तय करके सदर बाजार के निकट रेलवे फाटक पर पहुंचती है। रेलवे फाटक स्थित चौराहे से पश्चिम में सदर बाजार एवं पूर्व में बहादुरगंज मार्ग एवं दक्षिण की ओर की सड़क बस स्टैंड की ओर बढ़ जाती है। मऊ नगरपालिका एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर मऊ शहर में वर्तमान में लगभग 3,80,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर के पश्चात चौथा सबसे बड़ा शहर है। सड़क दक्षिण में बढ़ते हुए मऊ डिपो बस स्टैंड से होकर गुजरती है। मऊ डिपो से राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शहरों में आवागमन हेतु सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बस स्टैंड स्थित त्राहे से पश्चिम की ओर एक महत्वपूर्ण सड़क चंद कदमों की दूरी पर मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जोड़ती है। मऊ से 5 मुख्य रेलमार्ग वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, देवरिया एवं गोरखपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। बस स्टैंड से मुख्य सड़क दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। यह क्षेत्र शहर में शहादतपुरा के रूप में जाना जाता है। यहाँ अब पूर्णतः व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो चुकी हैं। मऊ लगभग 1801 में अंग्रेजों के अधीन हुआ, तब इसे आजमगढ़ जनपद में एक तहसील के रूप में स्थापित किया गया। देश की आजादी के पश्चात यह आजमगढ़ जनपद में ही बना रहा। जनमानस की बढ़ती मांग आजमगढ़ जनपद के विशाल भूभाग को देखते हुए प्रशासनिक कार्यों में सुलभता हेतु 1988 में आजमगढ़ जनपद की 3 पूर्वी तहसीलों मोहम्मदाबाद, घोसी एवं मऊ एवं बलिया जिले के रतनपुरा विकासखंड क्षेत्र को जोड़कर मऊ जनपद की स्थापना की गई। सड़क शहादतपुरा क्षेत्र से होकर दक्षिण में एक महत्वपूर्ण तिराहे आजमगढ़ मोड़ से होकर गुजरती है। इस तिराहे से पश्चिम में आजमगढ़ मार्ग प्रारंभ होता है। दक्षिण की ओर की सड़क गाजीपुर मार्ग के रूप में जानी जाती है। सड़क पर अब अनेकों आधुनिक इमारतें विकसित हो चुकी हैं। जनपद बनने के पश्चात मऊ में अनेकों विकास कार्य हुए हैं जो प्रशंसनीय हैं। गाजीपुर मार्ग दक्षिण की ओर बढ़ते हुए गाजीपुर तिराहा से गुजरता है। यहाँ उत्तर पूर्व से आने वाला पुराना बाईपास दक्षिण की ओर गाजीपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। आजमगढ़ मोड़ से पश्चिम की ओर प्रारंभ होने वाली आजमगढ़ रोड शहर के विकसित क्षेत्रों में एक है। यह सड़क रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर गुजरती है। मऊ जनपद में 1997 में एक नई तहसील मधुबन का सृजन किया गया। वर्तमान में यह जनपद 4 तहसीलों में विभाजित है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में सुलभता हेतु जनपद को कुल 9 विकासखंड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मऊ संपूर्ण जनपद घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। मऊ जनपद में कुल 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। आजमगढ़ मार्ग उत्तर की ओर घूमकर लगभग 3 किलोमीटर सफर तय करके शहर के मिर्जा हादी चौक पर जुड़ जाता है। मिर्जा हादी चौक बेहद व्यस्त चौराहों में एक है। यहाँ से पूर्व में चिरैयाकोट मार्ग एवं आजमगढ़ की ओर जाने वाला राजमार्ग प्रारंभ होता है। आजमगढ़ मार्ग मऊ को मंडल मुख्यालय आजमगढ़ से जोड़ता है। मिर्जा हादी चौक से पूर्व की ओर शहर के मुख्य बाजारों की ओर प्रवेश किया जाता है। यह सड़क औरंगाबाद चौक से होकर आर्य समाज मंदिर होकर मोहल्ला कटरा क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। मऊ जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने हेतु संपूर्ण जनपद को कुल 12 थाना कोतवाली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ जनपद स्तर पर एक महिला थाना भी स्थापित है। मऊ शहर क्षेत्र कुल 3 थाना कोतवाली क्षेत्रों, कोतवाली शहर, थाना सराय लखनसी एवं थाना दक्षिण टोला में विभाजित किया गया है। कटरा क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़ते हुए मुख्य सड़क घास बाजार, सर्राफा बाजार इत्यादि से होकर पुरानी बाजार में प्रवेश कर जाती है। यह समस्त क्षेत्र शहर का पुराना व्यापारिक केंद्र है।
इसके इर्द गिर्द शहर क्षेत्र की घनी आबादी निवास करती है। आगे बढ़ते हुए सड़क सदर चौक क्षेत्र में पहुंचती है। सदर चौक क्षेत्र मऊ शहर का केंद्र बिंदु है। यहाँ सामान्य दिनों में बेहद भीड़भाड़ बनी रहती है। आगे बढ़ते हुए सदर चौराहा दिखाई पड़ता है। यह चौराहा मऊ शहर का व्यापारिक दृष्टिकोण से केंद्र बिंदु है। सदर चौराहा से उत्तर की ओर की सड़क भेली बाजार के रूप में जानी जाती है। पूर्व में पुरानी बाजार एवं पश्चिम में सदर बाजार स्थित है। दक्षिण की ओर एक सड़क जामिया मस्जिद की ओर चांदपुरा रोड के रूप में जानी जाती है। पूर्व की सड़क धोबिया इमली रोड प्रारंभ होती है। सदर चौराहा से पश्चिम में प्रारंभ होने वाला सदर बाजार भी मऊ शहर का बेहद व्यस्त एवं महत्वपूर्ण बाजार है। यह बाजार सदर चौराहा को शहर कोतवाली होकर रेलवे फाटक से जोड़ता है। मऊ जैसे भव्य शहर में आना और इसे कैमरे में संजोना एक सुखद अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मऊ पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो मऊ शहर या इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।